राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय में 16वें दीक्षांत समारोह और खैरागढ़ महोत्सव कोविड की वजह से बीते 2 सालों से संगीत विश्वविद्यालय में सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। वहीं दीक्षांत समारोह कुलाधिपति व राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में बॉलीवुड की प्रख्यात प्लेबैक सिंगर, हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय गायक, कथक नृत्यांगना, जस गीत गायक को दिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मैं एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मुझे ये ऑनर देने वाले हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, मैं बहुत पहले खुश हुई कि एक संगीत के लिए विश्वविद्यालय है। ये सुनकर हमने कहा जितनी भी दूर हो, हम रहते हैं बैंगलोर में और हम कहीं कहीं जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, बनारस जा रहे थे, हमने कहा फिर भी यहाँ आना ही है और ये विश्वविद्यालय देखकर जाना है। ऑनर से ज़्यादा मैं सोची कि इतना अच्छा विश्वविद्यालय बना है, इसको मैं देखकर जाऊंगी। तो यहाँ आकर इतना मुझे प्यार मिला है और ये बहुत बड़ा ऑनर मुझे लगता है कि संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि मैं रही हूँ प्लेबैक सिंगर, लेकिन इतने अच्छे लोग, इतने गुणी लोगों के बीच में रहना और इस तरह से डीलिट का सम्मानित मुझे करना, मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ और बहुत एक खुशी महसूस हो रही कि इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा आज मुलाकात हुआ है और खैरागढ़ में इतना अच्छा कैंपस देखकर बहुत खुश हुई हूँ। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं रहती हूँ कर्नाटका में, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसे कर्नाटका में एक बहुत अच्छा एक विश्वविद्यालय बनाएं जहाँ लोगों को MA PhD की डिग्रीज मिले, जो कामयाब हो और गुणीजनों का मतलब सब मिलकर काम करें। यही मैं चाहती हूँ कि इंडिया में इस तरह की यूनिवर्सिटी और भी हो ताकि हमारा कल्चर स्प्रेड हो। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ द इमोशंस ये फीलिंग है। और म्यूज़िक वोकल में मिलना और रहमान सर के अंडर में मेंटोरशिप, उनकी ऑडियो इंजीनियरिंग में रहना और इस तरीके से क्लासिकल भी साथ साथ करना इस वेरी डिफरेंट फीलिंग, सो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। TCP 24 न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट।